सांबर जो मैंने बनाया है सांबर बनाने के काफी तरीके हैं मैंने काफी तरीकों से पहले ट्राई किया है एंड दिस इज द सबसे ईजीएस्ट फास्टेस्ट एंड टेस्टिएस्ट ऐसा मुझे लगता है सांबर रेसिपी है तो आप जरूर चेक करिए मैंने बनाया है वन पॉट सांबर और ये ट्रेडिशनल साउथ इंडियन सांबर की रेसिपी नहीं है वो अलग तरह से बनती है ये मैंने अपना तरीके से बनाया है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पमकिन तीन बैंगन बीन्स कुंदरू फूल दूधी है और इसमें सफ़ेद भोपड़ा सूरन और ड्रम स्टिक मिसिंग है क्योंकि सब्जी नहीं थी मेरे पास दो जो सब्ज़ी है मैंने वो डाल रही हूँ इसको मैं काट लूँगी सब्जी को छील के और यहाँ मैंने कुकर में ले लिया है दो कटोरी तुवर दाल और इसको मैं धो लूँगी अच्छे से दो छोटी कटोरी है और दाल धुल के हो चुकी है अब सब्ज़ी जो मैंने काटी थी उसको मैंने इसमें ऐड करूँगी कुकर में तो सब्जी नॉर्मली जब सब लोग जो हैं बहुत लोग अलग से बॉईल करते हैं और फिर दाल को अलग से बॉईल करते हैं और फिर मिक्स करते हैं पर मैं ऐसे बनाती हूँ तीन छोटे प्याज लिए हैं और दो टमाटर बारे बार चॉप करके इसी में ऐड कर दूंगी और इसलिए बोल रही हूँ वन पॉट सांभर इसमें सॉल्ट ऐड किया है हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और फिर ऐड करूँगी हींग हींग यानी कि एसोपटिटा जिनको पता नहीं है हिंदी में हींग इंग्लिश में एंड अभी उन्हें कुकर चढ़ा दिया है तीन लगाऊंगी सिटी एक सिटी रहेगी जो रहेगी तेज वाली सिम में और दो रहेगी मीडियम सिम में तड़के की तैयारी कर रही हूँ मैं एवरेस्ट सांबर मसाला है और फ्राइंग तड़का पैन ले लिया है मैंने जीरा इसमें ऐड करूँगी जीरा और राई और थोड़े से फेनोग्रिक की सीट मतलब कि मेथी के दाने तो तड़का मैं लगाती हूँ बॉईल होने के बाद सांबर बॉईल हो चुका है तीन सीटी लग चुकी है एंड uh, मैंने इसमें तेल नहीं लिया घी लिया है और हिंग डाला है और डाल रही हूँ लहसन छः सात बारीक कटा हुआ है, और हरी मिर्ची है कड़ी पत्ता है और लाल मिर्ची तो तड़का तो 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 मैंने लगाया है घी में ना कि तेल में और मिक्स करके अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर एक छोटा चम्मच है ये हाँ धनिया पाउडर और इसमें अभी ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर एंड ये रहा एवरेस्ट का सांभर मसाला इसमें ऐड करके मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि तड़का हो चुका था और मैं पूरा मिक्स करके अब सांभर जो बॉयल्ड सांभर जो बॉयल्ड सांभर है दाल और सब्जी का मिक्स है उसमें ऐड कर दूंगी इसको देखिए सांभर बॉयल हो चुका है देखिए सब्जी ऐसी कैसी दिख रही है बराबर है अब ऐड कर दो और देखिए मैंने सब्जी अलग बना बॉयल करके भी बनाया है सांभर टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही आता है तो ये ज़्यादा अच्छा है टाइम बचता है जल्दी बनता है और टेस्टी भी है और सांबर का तो मैं तड़का ऐड कर दिया है जो पैन में तड़का लगा हुआ था उसमें थोड़ा सांभर डाल के मिक्स कर लिया है एंड अब डाल रही हूँ इमली का पानी आप अपने अनुसार डालिए कम खट्टा करना तो कम डालिए टमाटर ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं डाला है अराउंड एक छोटा कटोरी इमली का पानी ऊपर से मैं और ऐड कर रही हूँ सांभर मसाला पाउडर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे से सांभर का फ्लेवर आता है सांभर में और इसको मैं थोड़ा बॉईल करूँगी एक कुकर को मैं चलाऊंगी क्योंकि मैंने डाला है इमली का पानी तो उसको मैं थोड़ा सा बॉईल करूंगी धीमी आंच में और हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ ये तो घेपे घेपी नहीं करना है थोड़ा तो सा नमक मुझे कम लग रहा है तो मैं ऊपर से और नमक ऐड कर रही हूँ एज पर आवर टेस्ट और देखिए ये सांभर हो गया है तैयार एंड इसमें जो लाल मिर्च डाली है ना सूखी लाल मिर्च उसको बहुत मज़ा आता है खाने के लिए विद राइस तो सांभर बॉयल हो गया है ढक दिया डक दूँगी मैं आफ्टर गार्निशिंग विद धनिया दैट इज़ कोरिएंडर एंड हमारा झटपट वाला सांभर तैयार तो आप एक बार इस तरह से बना के देखिए अगर आप सांभर नहीं बनाते हैं तो और अगर सांबर बनाते हैं आपको लगता है कि ये ट्राई करना चाहिए रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करिए एंड मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा इसको मैं भी सर्व करूँगी विथ चटनी ये लगा रही हूँ मैं निष्ठा और ये देखी खाने की प्लेट तो ये हमारा लंच है काफ़ी लोग बोलते हैं कि लंच में क्यों खाते हो आप ये तो ब्रेकफास्ट है देखिए लंच में खा सकते हैं स्नैक्स में खा सकते हैं यू कैन ऑल ऑल्सो हैव डिनर एंड दिस ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है आपके मन के ऊपर है एंड वैसे भी बहुत ही हेल्दी डिश है ये ज़्यादा भी इसमें नो no, फ्राइड चीज़ें नहीं है तो आप कभी भी खा सकते हैं एंड इवन इन मतलब मैं मेरे बच्चों को तो पसंद है क्योंकि आप लंच ब्रेकफास्ट में करेंगे तो हैवी हो जाएगा तो आप लंच नहीं कर पाएंगे तो बेटर है कि लंच में करें तो आप ज़रूर ट्राई करिए रेसिपी और हाँ मेरे प्रोफाइल को जरूर फॉलो करिए गरिमा स्प्राइट मेरा मेन uh, अकाउंट है इंस्टाग्राम का और गरिमा स्प्राइट फूड मेरा रेसिपी वाला अकाउंट है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग